साल 2012 में जी टीवी पर ऑन एयर हुआ पॉपुलर शो सपने सुहाने लड़कपन के ये वो शो था जिसे लोकप्रिय बनाने में गुंजन का खूबसूरत किरदार निभाने वाली एक्ट्रेस रूपल त्यागी ने अपना सबसे अच्छा योगदान देते हुए खुद को सबसे ऊंचे मुकाम पर पहुंचाया है। लेकिन दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि यहां तक पहुंच पाना इनके लिए इतना आसान नहीं था, बल्कि इन्होंने तो खूब पापड़ बेले थे और काफी हार्ड स्ट्रगल भी किया है। अगर नहीं जानते तो आज हम आपको इनकी फर्श से लेकर अर्श की पूरी कहानी डिटेल से बताएंगे, पर उससे पहले आप इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें। खुद के बलबूते पर छोटे पर्दे की कामयाब एक्ट्रेस बनी रूपल त्यागी का जन्म 6 अक्टूबर 1979 को बैंगलोर में हुआ था, जिसके चलते इनकी सारी पढ़ाई भी वहीं के सोफिया हाई स्कूल से पूरी हुई थी। बात करें इनके एक्टिंग करियर की तो हम आपको बता दें, इन्हें बचपन से ही एक्टिंग में काफी दिलचस्पी थी, इसलिए पढ़ाई के साथ साथ हमेशा छोटी मोटी एक्टिंग कर सभी को हंसाया करती थी। फिर ये अपने पेरेंट्स के सपोर्ट के साथ बैंगलोर से मुंबई आ गई, जहां आकर इन्होंने कई सारे ऑडिशन दिए, पर छोटी हाइट और अच्छी पर्सनैलिटी न होने की वजह रिजेक्शन का सामना भी करना पड़ा था। फिर इन्होंने हार नहीं मानी और अलग अलग फील्ड में ऑडिशन देने शुरू कर दिए। इसके बाद साल 2008 में इनकी किस्मत का तारा चमक उठा और इन्हें हमारी बेटियों का विवाह में मंशा की भूमिका निभाकर अपने एक्टिंग करियर को शुरुआत करने का मौका मिला, जहां पर इनकी एक्टिंग इतनी पसंद की गई कि इन्हें झलक दिखला जा एक नई छोटी सी जिंदगी और कबूल है जैसे तमाम शोज ऑफर हुए। लेकिन इन शोज से इन्हें उतनी प्रसिद्धि नहीं मिल पाई जिसकी ये हकदार थी। पर जब ये सीरियल सपने सुहाने लड़कपन के में आई तो दर्शकों से इन्हें खूब सराहना मिली। गुंजन एक पढ़ी लिखी और समझदार लड़की के रूप में, जिसमें पूरे 2.5 साल पूरे करने के बाद इन्होंने झलक दिखला जा सीजन 8 के वाइल्ड कार्ड एंट्री की और साल 2016 में स्पोर्ट रियलिटी शो बॉक्स क्रिकेट लीग में आखिरी बार काम कर इन्होंने अपना फर्श से अर्श तक का सफर तय किया था, जिसके बाद 3 साल का ब्रेक लेकर ये अपने घर पर ही रहने लगी थी और फैमिली को टाइम दे रही थी। पर जब जरूरत आन पड़ी तो इन्होंने फिर से साल 2019 में शक्ति अस्तित्व के एहसास की के साथ टीवी में कमबैक किया, अपने करियर को विराम दे दिया। तो दोस्तों, आपको एक्ट्रेस रूपल त्यागी के बारे में यह महत्वपूर्ण बातें जानकर क्या कहना है कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही ऐसी तमाम खबरें जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।